दुर्दशा हो रही है। अभ्यास करिए, हम
देश के वासी हैं जहां उठते ही सबसे पहले भूमि का स्पर्श करके प्रणाम किया जाता था, फिर अपने अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करके देवताओं का स्मरण किया जाता था, रात को सोने से पहले मंत्रोच्चारण किया जाता था, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। खाना और सोना तो भूल गए आप, पता नहीं कौन सा विकास हो रहा है, कैसे मॉडर्न हो रहे हैं। खाना और सोना तो ठीक से आता नहीं, खाने के लिए भी दवा चाहिए, सोने के लिए भी दवा चाहिए, और हंसने के लिए तो पूछो मैं सुबह पार्क में जाके हा 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 करना पड़ता है, हंसी नहीं जीवन। ये कितनी विकृत जीवन शैली है, ये जीवन में देखिए कितनी बड़ी विकृति आ गई। क्यों? क्योंकि आप सोते हैं ठक 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 करके, उठते हैं ठक 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 से, कितनी जड़ता आपके जीवन में आती जा रही। कल महाराज बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, शायद हो सकता है 20-50 साल में ऐसा समय आ जाए कि व्यासपीठ पे किसी रोबोट को ही बैठाकर आपको सुनना पड़े। जिस गति से मानवीय चेतना विनाश की ओर बढ़ रही है, उस गति से तो मैं ये कह सकता हूं कि अपने ही जीवन काल में मैं देखूंगा 10-20 बरस में अंतर्मुखी होना क्या होता है, भूल जाएंगे आप क्या है, आप कौन है, क्यों आए हैं यहां, ये विचार करने की सामर्थ्य भी बुद्धि में नहीं रहेगी, इतनी जड़ता जीवन में आ गई। अरे आपको क्या कहूं महाराज, साधु महात्मा नहीं छोड़ते मोबाइल। आपने कभी बरगद के पेड़ का बीज देखा है? अक्षय वट का जो बीज होता है ना, वो चिरौंजी के दाने जितना होता है और उससे अक्षय वट निकलता है। ऐसे जीवन में कोई भी कुभाव, जीवन में कोई भी कुरीति, जीवन में कोई भी अनाचार, जीवन में कुछ भी बुरा बहुत बहुत अल्प सी मात्रा में पहले आता है। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे बुरी आदत पहले दास बनकर आती है, फिर आपको अपना दास बनाती है, इसलिए सावधान होकर बैठिए। समुद्र तभी वंदनीय है, तभी पूज्य है कि अगाध होता हुआ भी अपनी मर्यादा में है। ऐसे श्री कृष्ण अगाध है, लेकिन आप देखिए श्री कृष्ण के आगमन से पहले प्रेम से, यद्यपि प्रेम की मर्यादा अपनी है, प्रेम लोक की मर्यादा नहीं मानता, लेकिन प्रेम के देश में भी मर्यादा है, प्रेम के देश में भी मर्यादा है। और आप देखिए श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, और दशम स्कंद से ठीक पहले नवम स्कंद में महर्षि वेदव्यास ने श्री रामलीला कही है, श्री राम का प्राकट्य हुआ है। कृष्ण के प्रेम के जीवन में आने से पूर्व राम सी मर्यादा हो तो ही वो प्रेम का समुद्र, तो ही वो प्रेम का समुद्र गरिमामय होता है, तो ही वो प्रेम का समुद्र गरिमापूर्ण अवस्थिति पाता है, यदि आपके जीवन में मर्यादा हो तो। इसलिए प्रेम को भी जीवन में धारण करने से पहले अनुशासन आवश्यक है जीवन में, मर्यादा आवश्यक है जीवन में। मैंने देखा कि कभी कभी भाव के नाम पर लोग उच्छृंखल हो जाते हैं, मनमुखी चाल चलने लगते हैं। एक बार किसी के यहां मैं गया तो वो बोली माता बोली महाराज जी 5 मिनट बैठो तो गोपाल जी को स्नान करा लो। कहा करा लो, मैंने देखा गोपाल जी उठाए और वॉश बेसिन में धर के ऊपर से तो मैंने कहा ये क्या करती हो? हमारे गोपाल जी तो ऐसे ही है, बस भाव के भूखे। सो तो भाव के भूखे हैं, आपका मेरा कर्तव्य क्या है, आपका मेरा उत्तरदायित्व भी तो कुछ है, भगवान की सेवा जीवन में आए। इसीलिए आचार्यों की मर्यादा और गुरुजनों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि कहीं भाव के नाम पर आपके जीवन में उच्छृंखलता ना आ जाए। बंधन एक बात है, अनुशासन दूसरी बात है। बंधन बोझ है पर अनुशासन आपको भीतर से सुंदर बनाता है, अनुशासन आपको भीतर से सुघड़ बनाता है, सुव्यवस्थित करता है। जहां तक हो सके वहां तक आपको भगवत सेवा में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो तो आधे नाम पे आते हैं, जो दो वो तो उसी को स्वीकार करते हैं, पर सेवक का धर्म क्या है। बड़ी सुंदर एक कथा मुझे स्मरण आ रही है, हमारे श्रीनाथ जी के एक सेवक थे एक ब्राह्मण, तो जब वो ठाकुर जी को नित्य नवीन वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित देखते थे तो उनके मन में भी इच्छा होती थी कि मैं भी कभी ठाकुर जी के लिए कुछ भेंट करूं।
उनके पास कोई साधन बहुत अधिक था नहीं। तो एक दिन तो उनका भाव जब बहुत अधिक बढ़ गया, मन में विवलता बहुत बढ़ गई, तो 2 बीघा जमीन थी उनके पास में, उसी से घर का पालन पोषण होता था। तो भाव में आकर उन्होंने वो 2 बीघा जमीन बेच दी, जो मिला उससे एक स्वर्ण का हार बनाया और श्री गोसाई जी को जाकर निवेदन कर दिया कि आप ये लाल जी को धारण करा दीजिए। संध्या समय गोसाई जी ने ठाकुर जी को हार निवेदन किया तो ठाकुर जी ने कहा, बोले बाबा या हार के ताई वह ब्राह्मण ने अपनो सब कछु दे दियो, मोए कोई हार की खोट पड़ रही कि मेरे पास कोई हारों की कमी है, और उस ब्राह्मण ने अपना सब कुछ दे दिया। तो गोस्वामी जी ने आकर उस ब्राह्मण से कहा कि ठाकुर जी आपके लिए ऐसा कह रहे थे कि मोए कोई हार की खोट पड़ रही और या हार के ताई ब्राह्मण ने अपनो सब कछु दे दियो। सजल नेत्र हो गए उस भक्त ब्राह्मण के और कहने लगा कि ठाकुर जी को खोट पड़े और मैं सेवा करूं, फिर तो सेवा करने का अवसर ही कभी नहीं आएगा। ठाकुर जी को क्यों खोट पड़ने लगे, सेवक का भी तो अपना कोई धर्म है, सेवक का भी तो अपना कोई उत्तरदायित्व है। भगवान की सहजता से ठाकुर जी की उदारता, कृपालुता, दयालुता का अनुचित लाभ लेने के लिए ये गुण नहीं है। स्वामी कितना भी उदार क्यों ना हो, लेकिन सेवक को अपनी मर्यादा में ही रहना शोभा देता है। सेवक अपनी मर्यादा में रहे तो ही सेवा धर्म की मर्यादा है। इसीलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। और भगवान की सेवा में रहने से भी कठिन है संत की सेवा में रहना, भगवान की सेवा में रहने से भी कठिन है साधु की सेवा में रहना। उठना बैठना तक नहीं आता, मैं देखता हूं, उठना बैठने की भी सभ्यता नहीं होती। आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, आप रहिए, पर मैं सभ्यता की, मैं संस्कार की बात करता हूं। इसीलिए बार बार कहता हूं सत्संग में बने रहिए, सत्संग आपको संस्कार देगा, सत्संग आपको योग्य बनाएगा, सत्संग आपको पात्र बनाएगा।